कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी सैमसंग गैलेक्सी की पांच सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आप अपने मोबाइल में टर्न ऑफ या टर्न ऑन करके रखेंगे, उससे काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी को यूज़ करने का। तो कौन कौन सी सेटिंग है जिनको टर्न ऑफ या टर्न ऑन करना है सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसी सेटिंग जो कि आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी में बंद करके रखना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक आप अपने जो यूजेस हैं उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेटिंग जो ये है क्यूक एक्सेस की। अगर आप देखेंगे, आप जैसे यू एक्सेस करते हैं तो फालतू का ये खुल जाता है और बार बार वो इरीटेशन करता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन पर जा सकते हैं, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ क्यूक एक्सेस वाले ऑप्शन पे, एंड देन जाना है स्वाइप अप गैजेट्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको जाना है स्वाइप अप वाले गैजेट पे। स्वाइप अप गैजेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन दिख रहे होंगे, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और स्क्रीन ऑफ। आपको सबसे इसको ऑफ कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ऑफ कर देंगे वो आपको दिखना बंद हो जाएगा और फालतू का वो नहीं आएगा बार बार, ठीक है, वो हट गया। अब जब तक आप उसको खोलोगे नहीं जब तक नहीं देखेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा इरीटेट करता था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मेरे साथ, तो हमेशा रहता था। तो सबसे पहली सेटिंग आपको यही ऑफ करना है। उसके बाद बात करें सेकंड सेटिंग्स की। सेकंड सेटिंग्स वो है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लगा के रखा है टाइम संडे माई माइंड दिखा रहा है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, आपको भी ऐसा लगाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है अपने मोबाइल के गुडलक वाली मॉड्यूल में चले जाना है। गुडलक वाली मॉड्यूल्स में जाना है। गुडलक वाली मॉड्यूल्स में जाने के बाद आपको जाना क्या है, वहाँ पर क्यूक स्टार वाले मॉड्यूल्स में चले जाना है। क्यूक स्टार वाले मॉड्यूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्लॉक सेटिंग्स में जाना है, एंड वहाँ पर शो डेट को भी ऑप्शन कर देना है, शो सेकंड्स भी कर देना है, और अगर आपको नॉर्मल चाहिए जो पीएम बीएम भी चाहिए तो वो भी ऐड ऑन कर देंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर ऑन करके उससे क्विकली इजीली आप अपना टाइम और डेट देख पाएंगे। तो सेकंड चीज़ आपको ये कर लेनी है। उसके बाद बात करें थर्ड चीज़ की, जो थर्ड सेटिंग है वो है नेविगेशन गैजेट्स को या नेविगेशन जो कीज़ होते हैं ना इनको लेके। तो उसके लिए वापस आपको यहाँ सेटिंग्स सॉरी गुडलक में जाना है। उसके लिए वापस आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद वहाँ पर आपको जाना है नैप स्टार वाले नैप स्टार ऐप में जाने के बाद आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसका फर्क आपको दिखेगा जब मैं इसको ऑफ करूंगा, तो आप देख रहे होंगे इसका फर्क आपको दिख रहा है, नीचे की स्पेस कम कर देता है ये, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आप देखेंगे मैं फिर से दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इन सबको नीचे की तरफ कर देना है, जिससे आपका जो ये जैसे मान लो ये ऐसा रहता है ना, जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतनी ज़्यादा दिक्कत देगा आपको, ये नीचे आपको नेविगेशन का दिख रहा है, उसको आप जितना शॉर्ट कर लेंगे उतने ईजिली आप यहाँ पर नेविगेशन गैजेट्स के थ्रू नेविगेशन कर पाएंगे ईजिली। तो तीसरी सेटिंग आपको ये करनी है। उसके बाद बात करें फोर्थ सेटिंग की, तो उसके बाद बात करें फोर्थ सेटिंग की, वो है कीबोर्ड को लेकर। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर कीबोर्ड को खोलते हैं तो आप देखेंगे नीचे आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखता है, आपको दिख रहा होगा नीचे ऐसा ऑप्शन दिखता है आपको, यहाँ पर देखेंगे तो कीबोर्ड का ऑप्शन दिखता है सैमसंग कीबोर्ड। अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखे, ये नहीं दिखे, ये ऑप्शन दिखे आपको बार बार, तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं और वो आपको बार बार नहीं दिखेगा, इरीटेशन नहीं करेगा। और वॉइस टाइपिंग करना हो तो डायरेक्टली वॉइस टाइपिंग आप वॉइस टाइपिंग आप यहां से उसका कर पाएंगे, तो ये चीज़ भी यहां पर आपको दिख जाएगी। अगर आपके पास वॉइस टाइपिंग इनेबल नहीं हो रहा तो उसके लिए जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, यहां जाना है आपको वॉइस इनपुट पे, एंड देन वहां पर आपको सैमसंग वॉइस इनपुट को सिलेक्ट कर लेना है, और साथ में यहां पर इंग्लिश हिंदी ये सब लैंग्वेज को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहां भी आपको वॉइस इनपुट लेना हो, सिंपली आपको वॉइस से कुछ लिखना हो तो वहां पर जाएं वॉइस पे, और जो आप यहां पर बोलेंगे वो सब वहां पर आपका लिखता जाएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है। उसके बाद बात करें लास्ट वाला, वो है फिफ्थ, वो ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट के अंदर आपको एनिमेशन दिखते हैं। लास्ट वन जो है दोस्तों वो है फिंगरप्रिंट से लेके, जब भी आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसमें आपको एनिमेशन दिखता है। जो एनिमेशन रहता है ना वो भी बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल की बैटरी खाता है और फालतू के आपके रैम वैम भी खाता है, तो आपको इसको भी ऑफ करके रखना चाहिए उसको। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको करना क्या है, जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। मोबाइल की सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ पर चले जाना है बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको इसको ऑफ करके रख देना है शो अनलॉक ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। तो इससे क्या होगा, वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा और डायरेक्टली आपका वो काम करेगा, इससे भी काफ़ी हद तक आपके मोबाइल की बैटरी और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी।
तो यही टिप्स थी जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। और उसके अलावा भी कुछ आप एड ऑन करना चाहें तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।